बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है बच्चा, भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या, कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो, अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो, फिर आप देखो भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है, राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो क्या और क्या बाकी रह गया, सब राम से ही तो है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे, ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए। कर तुम अकर तुम मन्य था कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं तुम उब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम उब जाए। थोड़ा धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों